एशिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क में शामिल फतेहपुर रेलवे स्टेशन का इतिहास तकरीबन 160 साल पुराना है। तीन प्लेटफार्म वाला फतेहपुर रेलवे स्टेशन हावड़ा और दिल्ली को जोड़ता है। फतेहपुर रेलवे स्टेशन से आप दिल्ली, हावड़ा, जम्मू के लिए सफर कर सकते हैं। फतेहपुर रेलवे स्टेशन को ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी ने 19वीं शताब्दी के आसपास हावड़ा से दिल्ली को जोड़ने के लिए बनाया था। उस समय ब्रिटिश शासन ने ये योजना बनाई थी कि हावड़ा से दिल्ली तक एक रेलवे लाइन का निर्माण किया जाए जो सफर को सुगम और अच्छा बना सके। ब्रिटिश शासन ने इसमें धीरे धीरे काम शुरू किया जो जल्द ही बनकर तैयार भी हो गया। हालांकि फतेहपुर रेलवे स्टेशन की सटीक जानकारी तो नहीं मिलती किसका निर्माण कब हुआ, लेकिन हाँ, फतेहपुर के इस रेलवे स्टेशन में पहली ट्रेन 1859 में इलाहाबाद से कानपुर के बीच में चली, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि फतेहपुर रेलवे स्टेशन का निर्माण इसके पहले के कुछ सालों में हुआ होगा। जब इस रूट में पहली ट्रेन पटरियों पर दौड़ी तो आसपास के गांव के हजारों लोग इसे देखने के लिए इकट्ठा हुए। भाप से चलने वाले उस समय के रेल इंजन लोगों के लिए किसी अजूबे से कम नहीं थे। फतेहपुर रेलवे स्टेशन को आम लोगों के लिए 1860 में यातायात के लिए खोल दिया गया। उस समय के गवाह रहे देवपाल कहते हैं कि जिस समय इन पटरियों में भाप के इंजन दौड़ते थे, लोग डर जाते थे। सफर करना तो दूर की बात, क्योंकि उस समय ट्रेन लोगों के लिए किसी अजूबे से कम नहीं थी। इस स्टेशन में 3 टिकट काउंटर है, साथ ही यात्रियों के लिए अच्छी व्यवस्था है जो आपकी यात्रा को सुगम और बेहतर बनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यू टाइम्स। अगर ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हाँ, अगर ये वीडियो आप Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमें लाइक कर सकते हैं ताकि ऐसे वीडियो हम आप तक पहुंचाते रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।